किसान। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जबरावादी, आप देख रहे हैं पूसा कृषि विज्ञान मेले की पड़ताल। तरह तरह के यहाँ कृषि यंत्र इस मेले में हैं। पूसा के भी अनेक प्रोडक्ट हैं और छोटे से लेकर के बड़े प्रोडक्ट भी हैं, और पैडी से हाथ पैर से चलाने वाले से लेकर के मशीनों से चलने वाले यानी इंजन से चलने वाले कृषि यंत्र यहाँ के स्टॉल पर उपलब्ध हैं। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देखें, तसल्ली से देखें। और पूसा का एक प्रोडक्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यह पैडी थ्रेसर है जो पहाड़ी इलाके में काम करता है। किस तरह से काम करता है, क्या इसका लाभ है, क्या इसकी कीमत है और किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आइए देखें पूरा वीडियो। जी भाई साहब, आप जरा इसकी पहले चाल दिखाएं हमें। ये एक्चुअली ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनाया गया, छोटी जगह, ताकि कहीं से भी उठा करके, वजन ज़्यादा भारी नहीं है इसका, आराम से इसको ले जा सकते हैं उठा के कहीं भी। तो ये छोटी जगह के लिए, और हाथ से यानी कि मैनुअली है ये, इस तरह से पकड़ के इस तरह से झाड़ना है और इस तरह से फेंक देना है। जी 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 जी, कैसे यहाँ से इसको कहीं भी ढेर जहाँ धान की फसल है वहाँ इसे ले जाएंगे आप उठा करके? जी जी जी। वजन कितना है पहले तो इसमें वजन बताइए, क्या वजन है इसका? ये वजन लगभग करीब 30 किलो के लगभग, 25-30 किलो के लगभग है। 25-30 किलो के लगभग है। पूसा का ही प्रोडक्ट है। जी जी जी। इसकी जो गरारी है इसमें तेल वगैरह भी लगाना पड़ेगा? जी जी लगाना पड़ता है। अभी ये नया है, अभी बिल्कुल ये अभी फ्रेश है बिल्कुल। अभी तेल लगा करके थोड़े नट वगैरह ढीले हो जाते हैं, इनको कभी टाइट भी कर लिया जाता है चाबी से, आम चाबी से टाइट। यहाँ धान की फसल खड़ी हुई है, खड़ी हुई है काटी हुई, और इसको आप यहाँ इस पर हम रखेंगे और इसको पैर से चलाएंगे। जी जी जी। और ये लगातार उसको करके साफ ऐसे चलाते हैं जैसे सिलाई मशीन चलाते हैं, पैडल होता है इसी तरह से इसको ऐसे चलाना होता है। जी। और इसको हाथ से यूं उठाए या यूं झाड़े और इधर फेंक दिए, ना कोई तेल का खर्चा कुछ भी नहीं, ना बिजली का खर्चा कुछ भी नहीं, बस जी ना पीट पीट के धान झाड़ने वाला खर्चा नहीं, वो मेहनत से बचा। खड़े रहिए, पैर से चलाइए, दूसरे हाथ से उठाइए और धान गहाइए। जी जी। क्या कीमत है इसकी भाई साहब, ये बताइए? इसकी कीमत है 6,300 रुपये रखी गई है। इसको छूट वगैरह भी है पूसा की ओर से इसके विषय में? ये छूट को लेकर ये 6,300 रुपये है। अच्छा अच्छा, तो कैसे कोई ऐसे ग्राहक खरीदना चाहे तो कैसे आपको? तो ये हमारे एक पूसा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंजीनियरिंग डिवीजन है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये मिल सकता है, या यहाँ भी मेले से भी हम बेच सकते हैं। यहाँ भी किसी को लेना चाहे किसान भाई तो ले सकते हैं। आप इसे ट्रांसपोर्ट से भिजवा सकते हैं कहीं देश के कोने कोने में? हाँ भिजवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नंबर को ऐसा बता दीजिए, टेलीफोन नंबर या? हाँ टेलीफोन नंबर, हमारे ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 25-84-22-94, ये हमारा का ऑफिस का नंबर है ये। आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मोहम्मद इलियास जी, दोस्तों आपको हम एक और ऐसी मशीन दिखा रहे हैं, जिस तरह धान की फसल बोई जाती है, धान की पौध तैयार करके धान उगाया जाता है। ये मशीन आप जो देख रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं अब खेती किसानी में कि गेहूं की फसल को भी इस तरह से बोया जाएगा। जिस तरह से दूरी दूरी पर धान की फसल रोपी जाती है, तो गेहूं की फसल को भी इस तरह से आगे भविष्य में बोया जाएगा। ये पूसा में इस तरह के शोध हो रहे हैं, इससे बीज कम खर्चा होगा और पैदावार भी अच्छी आएगी, और काफ़ी अच्छी पैदावार होगी धान की ही नहीं गेहूं की भी। इस तरह से मशीन आप जो देख रहे हैं, अभी इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फाइनल प्रयोग नहीं हो पाया है, यानी धान की तरह गेहूं की फसल इस मशीन के द्वारा बोई जा सकेगी। अभी बाज़ार में यह उपलब्ध नहीं है, चूँकि यह पूसा का पेटेंट होने जा रही है मशीन। ये पहली मशीन आप देख रहे हैं जो गेहूं की बुवाई करेगी, और जिस तरह से हम धान की फसल रोपते हैं गेहूं, उस तरह से बोया जा सकेगा इस मशीन से। और यह पहला प्रयोग कर रही है पूसा, अभी तक देश भर में गेहूं की फसल जो बोई जाती है वो सीड ड्रिल्स के द्वारा बोई जाती है, लेकिन अब काफ़ी दूरी दूरी पर गेहूं के एक एक दाने डाल करके अच्छी फसल बोई जा सकेगी, और किस तरह से इसका परिणाम सामने आएगा वो आगे आप देखते रहेंगे। बंद कर दें। खड़े हो जाओ, द्वारा लगाना ब्रेक सीधी, सर ठीक है, सीधा ब्रेक को फोकस करना, अब जब जो हाथ लगाना पहले सावधान से करिए, ये हाथ थोड़ा काट देगा, ठीक है ना, चला नहीं जाएंगे तो हाथ मत, थोड़ा सावधान से करिए। देख रहे हैं कृषि विज्ञान मेला पूसा की पड़ताल देख रहे हैं, और ये चारा काटने वाली मशीन है यहाँ मेरे सामने आप देख रहे हैं,
और ये छोटी सी मशीन है और इसके जो ये गंडासे हैं इन गंडासों के ऊपर भी ये कवर लगा हुआ है, काफ़ी सुरक्षित है और दुर्घटना से बच सकते हैं इससे। और ये लकड़ी का हत्ता है, साधारण मशीनों की तरह ही है और ये मशीन इस तरह से चलाया जा सकता है। और ये ब्रेक है, इसको जब चाहो जिस मशीन को रोका जा सकता है। ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें ब्रेक सिस्टम है और इसका ये पतनाला है जिससे मशीन जो है इसमें चारा लगाया जा सकता है। और इसमें ये लगा हुआ है, इसमें चकली लगी हुई है और ये इसमें दो ये चकली अंदर हैं और ये सिस्टम लगा हुआ है, नई तकनीक का सिस्टम है। इससे ये ब्रेक को लगा देता है जहाँ चाहे जब इस मशीन के हम इसको रोक सकते हैं और कोई दुर्घटना आदि के समय अपना बचाव भी कर सकते हैं। यह पूसा का ही प्रोडक्ट है और मशीन आप देख सकते हैं इसमें पूसा, इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बताई गई है। ये मशीन 7,081 रुपये की है और सुरक्षा उपकरण है चारा काटने का और यह है पूसा के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ कृषि पूसा की पड़ताल। हाथ पूरा काट देगा, ठीक है ना, जान जाए।